सर ये होता है, मैं अपना शो जो है वो कंक्लूजन से शुरू करती हूँ। अक्सर ये होता है चलो डिबेट करते हैं कौन सही कौन गलत, आखिर में डिसाइड हो जाएगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मैं कहती हूँ बॉस, मैं सोचती हूँ कि ये जो एनकाउंटर में मारा गया है ये सही मारा गया है, अब मुझे प्रूव करो तुम कि गलत मारा गया है। अब एक घंटा मुझे प्रूव करो कि ये गलत मारा गया। वाह कलम वाली भाई वाह। जैसे रूबिका ने कहा कि वो अगर डिबेट शुरू करती है तो वो एक लाइन लेकर शुरू करती है कि एनकाउंटर हुआ तो सही हुआ, लेकिन जो मेरी अप्रोच होती है और जो मुझे लगता है हर जर्नलिस्ट की अपनी एक अप्रोच होती है किसी भी न्यूज़ को लेने की, व्यूअर के सामने उसको रखने की, हम ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से इसलिए अपने आप को कनेक्टेड बता रहे हैं क्योंकि हमारा काम जो हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया और बताया गया वो ये कि आपका काम साइड लेना नहीं है, आपका काम है सारी साइड्स को, हर पक्ष को व्यूअर के सामने रख देना। व्यूअर के सामने आप सारी बात रख दीजिए और फिर व्यूअर अपने आप में इतना उसको आप सक्षम बनाइए कि वो खुद फैसला कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। कैसे कैसे आइए हम समझाते हैं, आइए। अब जैसे अभी रूबिका ने कहा कि साहब इनकाउंटर हुआ बिल्कुल सही हुआ, लेकिन अगर मैं इस डिबेट को करूंगी तो मैं शुरुआत में ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि इनकाउंटर हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इस देश का संविधान जो है वो कहता है कि साहब एक ड्यू प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा, पुलिस है, पुलिस अपराधी को पकड़ेगी, उसको कोर्ट में पेश करेगी और सजा सुनाने का काम अदालत करेगी। अदरवाइज जो हमारी फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र जिसपे हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पर वो तिरंगे के रंग में रंगकर खूब सब जश्न मनाते हैं ना, उस लोकतंत्र के साथ उस जश्न के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। और मेरी पत्रकारिता ये कहती है कि साहब आप जितना हो सके उतना अपना व्यू पॉइंट पीछे रखकर जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, इफ़ लाइक आई एम कंडक्टिंग अ डिबेट, तो वो व्यू पॉइंट्स अगर सामने आए और उसके आधार पर व्यूअर अपनी समझ से अपना फैसला या अपने निष्कर्ष पर पहुंचे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बताते हैं। प्यारी समझ गई।